सुजालपुर में बारात में डीजे पर गाना बदलने पर हुआ विवाद, आरोपी महेंद्र ने दी गालियां और बरसाए पत्थर, पुलिस ने प्रकरण किया दर्ज। मनावर पुलिस ने 24 घंटे में किया लूट का पर्दाफाश, 5 फरवरी को ग्राम पलासी फाटे पर अज्ञात आरोपियों ने की थी लूट। मंदसौर नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने संभाला पदभार, पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर किया शहर भ्रमण, विभाग ने किया स्वागत। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में स्कूलों में होगा हिजाब बैन, कहा हिजाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं। और आज से मनाया जाएगा ग्राम और नगर का जन्मदिन, सीएम शिवराज अपने गृह ग्राम जैत से करेंगे शुरुआत, इस दौरान ग्रामीणों के साथ करेंगे पौधारोपण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में, आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। बीते दिनों हुई लखनपुर थाना क्षेत्र में शिक्षक और कुन्नी चौकी में पदस्थ आरक्षक सहित 3 लोगों के नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया था। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद अंसारी ने प्रेस वार्ता कर एसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसपी आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और आरोपी आरक्षक को बचाने के लिए कई धाराएं नहीं लगाई गई हैं ताकि आरोपियों को जल्द ही जमानत मिल जाए। 26 जनवरी 2022 को जब हम सभी गणतंत्र दिवस का ध्वज फहरा करके वापस अपने घर में आए तो आप में से ही एक पत्रकार साथी से मुझे खबर मिली कि लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुन्नी में कुन्नी पुलिस चौकी का एक पुलिसकर्मी अपने कार्य क्षेत्र में अर्थात वो जिस पुलिस चौकी में पदस्थ था, पहले पुलिस चौकी से लगभग 200 मीटर के पास में ही 6 बजे शाम को एक घर में जाता है और वो बाकायदा रेकी करता है, पता करता है कि छोटी छोटी बच्चियों के जो माँ बाप हैं वो घर में नहीं है पिछले 1-2 दिन से। इसके वहाँ पर छोटी सी मासूम सी बच्ची 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय पीड़िता सो रही होती है। 10 बजे उसके मुँह में साल ठूस कर उससे दुराचार करने का पुलिसकर्मी अपने साथियों के साथ यानी अटेम्प्ट टू गैंग रेप का प्रयास करता है। जब पीड़िता बच्ची आवाज़ देती है तब उसकी बड़ी बहन बगल से आती है और आने के बाद बीच बचाव करती है तो उनके बीच में झड़प होती है और धमकी देते हुए वो दोनों वहाँ से भागते हैं कि जीवन पर बात कर देंगे। इसके बाद रात को ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उसकी बड़ी बहन कुन्नी पुलिस चौकी जाती है। उनके कहने के अनुसार पुलिस चौकी में उन्हें कहा जाता है कि सुबह आना, जब वो सुबह जाते हैं तो कहते हैं मामले को आपस में निपटा लो। मध्य प्रदेश के पालक महासंघ ने जिला शिक्षा कार्यालय का जमकर घेराव किया, जिसमें महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने निजी स्कूलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल अधिकारी प्रदेश फीस अधिनियम 2020 के तहत प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस पर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कई बार जानकारी भी दी है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी इस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बता दें, प्रशासन ने कोरोना काल के कारण स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए कहा था, बावजूद इसके भी स्कूलों में कई मदों को जोड़कर फीस वसूली की जा रही है। हमारी मांग, सबसे पहली मांग तो एक है, 4 नवंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होगा तब तक ट्यूशन फीस लेना है, लेकिन मध्य प्रदेश के निजी स्कूल सारे मदों की फीस जोड़कर अभिभावकों से वसूली कर रहे हैं। नंबर दो, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पिछले 2 वर्षों में पालक महासंघ एवं अभिभावकों को द्वारा कई इनों को आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक उस आवेदनों पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, तो उसको लेकर माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को 4 मांगे हमने रखी हुई है कि अगर 4 मांगों को 1 हफ्ते के अंदर अगर आप पूर्ण नहीं करते हैं तो आपका जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, इतनी जनता और इतनी अभिभावक आएगी कि आपके पास बैठने का स्थान भी नहीं बचेगा। कार्रवाई करवाने के लिए आज हमने घेराव के लिए सिर्फ अभी जिला पदाधिकारीगण और पालक पदाधिकारीगण है, वो 7 दिवस नहीं करते, फिर हम लोग बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे।
छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में अंतिम दिन किसानों का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान कोरिया के नवीन धान खरीदी केंद्र कछौड़ के किसानों ने खुशी जताते हुए कहा कि क्षेत्र में नई धान खरीदी केंद्र खुलने से हमें अब दूसरी जगह नहीं जाना पड़ रहा, जिससे ट्रांसपोर्टिंग और समय की काफी बचत हो रही है। वहीं प्रभारी मंत्री संदीप द्विवेदी ने नई धान खरीदी केंद्र पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो को धन्यवाद दिया, जिसके बाद सत्यापन अधिकारी रामप्रताप पावले ने बताया पर जिले में 13,92,947 क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। यहाँ पहले हमारा धान घुटरा जाता था, घुटरा समिति था यहाँ का, तो हमें कई तरह का परेशानी झेलना पड़ता था वहाँ, जैसे गाड़ी भाड़ा और समय अधिक लगता था, कभी धान बिक्री नहीं होती थी तो रात भी रुकना पड़ जाता था वहाँ पे। उस हिसाब से समिति हमारा यहाँ कछौड़ में आया, इससे हमको बहुत खुशी है, हमारा समय का भी बचत हो रहा है और प्लस भाड़ा भी बचत हो रहा है। नवीन धान खरीदी उपार्जन केंद्र को स्वीकृति प्रदान की, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने यहाँ पर सुचारू रूप से पूरा धान खरीदी किया और संपन्न किया। साथ ही किसानों को यहाँ पर बहुत ही लाभ मिला, जो किसान घुटरा में धान बेचते थे उनको ट्रांसपोर्टिंग का भी चार्ज लगता था, साथ में रात्रि भी रुकना पड़ जाता था, मजदूरी चार्ज ज़्यादा लगता था। इस वर्ष उन्होंने जो धान यहाँ पर बेचा है उनको ट्रांसपोर्टिंग में भी बहुत लाभ मिला है, मजदूरों की भी समस्या उन्हें कम आई है और साथ ही कम समय में बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को और आदरणीय 7/2/2022 को सम्माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है क्लोजिंग के लिए सत्यापन अधिकारी नियुक्त किया गया है, उसी तात्पर्य में आज उपस्थित हुआ हूँ। आदिम जाति सेवा कर सहकारी समिति कछौड़ में कुल जो है 406 कृषक इस साल धान बेचने के लिए पंजीकृत थे, जिसमें से 336 किसानों ने 1600 मीट्रिक टन धान विक्रय किए हैं और आज धान खरीदी का अंतिम दिन है, जिसे मैं जो है क्लोजिंग कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राजधानी रायपुर में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभागीय मंत्रियों की बैठक ली, जिसमें शासकीय जमीन के उपयोग में लाने के लिए नीतियां और एजेंसी तय करने को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही भूमि के व्यक्तिगत व्यवस्थित विकास और उपयोग के लिए मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। इस मौके पर मंत्री ताम्रध्वज के अलावा आवास मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर कमेटी 2 बनाए हैं और उसका पिछले एक दो बार बैठकें हुई, पर कोरोना के कारण बहुत अधिक उस पर हम लोग कार्यवाही नहीं कर पाए थे। हाई पावर कमेटी में 2 उद्देश्य था कि सरकार की जितनी ज़मीन है खाली पड़ी है, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो अनयूज्ड है, उसका उपयोग करें, रेवेन्यू जनरेट हो। वैसे ही सरकारी भवन जो जर्जर हैं उसको तोड़कर उसका उपयोग, तो उस विषय में पिछली मीटिंग हुआ था, उसमें नीति नहीं थी, कमेटी तो बनी थी पर नीति बना ये था, तो नीति बना के अभी आज प्रस्तुत अधिकारियों ने किया, सभी विभाग के सचिव लोग थे, ACS भी थे और उसको हम लोग अप्रूव किए हैं। फिर उसके बाद वो अपना DPR बना के प्रस्तुत करेगा, कमेटी अप्रूव करेगी, फिर वो जितना रेट तय होगा वो रेट क्रियान्वयन एजेंसी उसका जमा करते जाएगा, 4 किस्त 3 किस्त जैसा। तो इस प्रकार नीति आज प्रस्तुत हुई जिसको हम लोगों ने अप्रूव किया है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में संभाग डाकघर अब प्रधान डाकघर में तब्दील हो जाएगा, जिसकी घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले प्रधान डाकघर का संभाग मुख्यालय रायगढ़ था, वहीं प्रधान डाकघर संबंधित सभी कार्यों के लिए लोगों को रायगढ़ जाना पड़ता था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना होता था। वहीं नया डाक संभाग बनाए जाने से लोगों को राहत मिलेगी। 3 फरवरी 2022 को डाक संभाग अंबिकापुर बनने की घोषणा का पत्र प्राप्त हुआ है, बहुत जल्द ही उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। डाक संभाग अंबिकापुर बनने से कर्मचारियों के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक हो गई है। स्थानांतरण में दूर दराज जाना पड़ता था, वो सरगुजा ज़िले के अंतर्गत बलरामपुर ज़िले, सूरजपुर ज़िले, इन्हीं के आसपास में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, जिससे उनको सुविधा मिलेगी। और अन्य काम से जो अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ होने से जो कार्यालय व्यवस्था के तहत जो काम होता था उनके लिए रायगढ़ भेजना पड़ता था, वो अंबिकापुर में ही समाधान हो जाएगा।
निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कृषि उपज मंडी के सामने तेज रफ्तार मारुति ओमनी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली शिक्षिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 3083 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 6527 लोग ठीक हुए तो एक्टिव केसों की संख्या 37143 है। सेक्सटॉर्शन मामले पर कहा कि कई मामले सामने आ रहे हैं, कई मामलों में कार्रवाई भी की गई है, साइबर सेल को भी निर्देशित करने वाला हूं, ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई करें, अगर कोई गैंग सक्रिय है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मध्य प्रदेश में 3083 नए प्रकरण नए मामले आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 6527 व्यक्ति हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर अभी 37143 कुल नए एक्टिव केस वर्तमान में प्रचलन में है। संक्रमण दर हमारी 4.68 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर 94.03% हमारी है। कल मध्य प्रदेश के अंदर 65812 सैंपल का कलेक्शन हुआ है। अब कल जो वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश में हुआ, 3,82,780 वैक्सीनेशन का काम कल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। सेक्सटॉर्शन के जो केस हैं, ये मामले कई प्रकाश में आ रहे हैं और हमने कई मामलों में कार्रवाई भी की है और इस तरह के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं आज फिर साइबर सेल को निर्देशित करने वाला हूं कि इस तरह के जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। जो एक बात और आप सबके माध्यम से मैं आम जनता से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ में इस तरह की घटना घटित हुई हो तो उनकी निजता को आंच नहीं आने देंगे, पर हम चाहते हैं कहीं इस तरह की कोई गैंग तो सक्रिय नहीं हो रही है, उसकी तह तक भी जाना चाहते हैं तो उनके पास में आए, उनकी निजता का हम ख्याल रखेंगे, कोई लीक नहीं होगा, लेकिन जो जानकारी में जरूर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आज अपने निवास से 3 चलित प्रयोगशाला वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलित वाहन भिंड, छिंदवाड़ा और नीमच के लिए रवाना किए गए। इन वाहनों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। दुकानदार स्वयं भी खाद्य पदार्थों की जांच 10 रुपए की रसीद कटाकर करा सकेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देशन में नवंबर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत वाहनों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। शुद्ध खाद्य पदार्थ नागरिकों को मिल सके, अगर कोई मिलावट करता है तो उसको शीघ्र पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और इतनी जो कार्रवाइयां की गई हैं, आप जानते हैं कि इसलिए इतने लोगों के खिलाफ जो लोग इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ NSE की भी कार्रवाई की गई है, FIR भी उन लोगों के खिलाफ की गई और जो भी दंड लगाया गया उसकी वसूली भी न्यायालयों के द्वारा की गई है। तो इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों को जांचने के लिए जो चलित प्रयोगशालाएं आज जो 3 और जिनका हम लोग आज यहां से हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए हम भेज रहे हैं, तो वहां पर भी ये जांच की सुविधा वहां पर उपलब्ध होगी, जिससे नागरिकों के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सकें
और लोगों का एक विश्वास बढ़ सके, उसके प्रति लगातार हमारा ये डिपार्टमेंट है ये पूरी तरीके से काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है। ग्रामीण अंचलों में भी जहाँ छोटे छोटे कस्बों भी है जिले के, वहाँ पर भी ये हमारे जो चलित प्रयोगशाला वहाँ पर जाती जाती है और वहाँ पर नमूने लेकर इनका जाँच किया जाता है। निर्माण कार्यों के चलते अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार, सीएमओ सहित राजस्व नगर पालिका अमले पर भाजपा नेता ने पेट्रोल फेंक दिया, जिस पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि भगवान सिंह राजपूत और उनके दो भाइयों ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे तहसीलदार राजेश सोरते व सीएमओ पवन मिश्रा सहित राजस्व नगर पालिका अमले पर बदसलूकी और सत्ता की धौंस जमाते हुए अतिक्रमण में रोक लगाने का प्रयास किया। विवाद बढ़ने पर भाजपा नेता भगवान सिंह राजपूत पेट्रोल की बोतल लेकर तहसीलदार व सीएमओ पर डाल दी। मामला संगीन होने के कारण अतिक्रमण मुहिम रोककर तहसीलदार राजेश सोरते व सीएमओ पवन मिश्रा थाने पहुंचे और भाजपा नेता पर शासकीय कार्य में बाधा और ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमले को लेकर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कराया। वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि धाराएं नहीं बढ़ाई गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इसी बीच जो वहाँ पर जिनका अतिक्रमण हट रहा था भगवान सिंह, उनके द्वारा एक पेट्रोल की बोतल लाई गई जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, उसमें हमने वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे सबके ऊपर पेट्रोल का छिड़काव किया। आप पे भी डाला पेट्रोल? कुछ चिट्ठे तो हम चुके हैं सर। तो आधा अतिक्रमण लगभग हट गया था और जो बाकी अतिक्रमण हट रहा था तो उसी बीच में ये वाकया हमने किया वहाँ पर। मनावर पुलिस ने 24 घंटे में एक लूट का पर्दाफाश किया है। बिहार से साड़ियां बेचने आए व्यापारी राहुल गुप्ता के साथ 5 फरवरी को ग्राम पलासी कांटे पर अज्ञात आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी अनिल भिलाला समेत 5 साथियों को गिरफ्तार कर बाइक, मोबाइल, साड़ियां और 19,000 रुपये जब्त कर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। बहुत ही अच्छा कार्य जो है थाना मनावर क्षेत्र हुआ है। इसमें दिनांक 5 फरवरी को एक फरियादी है राहुल गुप्ता और चंदन कुमार को, ये लोग रहने वाले मुद्दा बिहार के हैं और साड़ी फेरी का जो है धंधा करते हैं। इसी दौरान ये लोग जो है चौकी सिंगाना क्षेत्र में जो है अपने काम धंधे के लिए गए थे और वहाँ पलासी फाटे पर इनके साथ कुछ अज्ञात आरोपियों ने इसमें इनके साथ लूट की थी, जिसमें करीब 81,500 रुपये का मशहूर का जो वो लूट के ले गए थे और जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनावर से उनकी टीम के द्वारा। मंदसौर नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंदसौर एसपी ऑफिस पहुंच चार्ज लिया। इसके पूर्व एसपी सुजानिया भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन अर्चना कर भगवान के चरणों में नमन किया। वहां से एसपी ऑफिस पहुंचे जहां पुलिस अधिकारियों के समक्ष चार्ज लिया। बाद में शहर भ्रमण को भी निकले। इस दौरान एएसपी डॉक्टर अमित वर्मा, सीएसपी परमाल सिंह मेहरा, एसडीओपी टीसी पवार सहित पुलिस स्टाफ वहां मौजूद रहा। सुजालपुर सिटी थाना क्षेत्र में बारात में डीजे सिस्टम पर गाना बदलवाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी दिनेश अपने दोस्त की बारात में आया था, जहां डीजे पर गाना बदलने को लेकर आरोपी महेंद्र ने फरियादी को गालियां दी और पत्थर से चोट पहुंचाई है। वहीं पुलिस ने फरियादी दिनेश की शिकायत पर आरोपी महेंद्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लिहाजा मंत्री परमार ने स्कूलों में हिजाब को प्रतिबंध कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है, स्कूलों में जल्द से जल्द ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी, जिसे लेकर लोगों में विरोध देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। सब विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है।
मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे ताकि समय पर विद्यार्थी अपने गणवेश तैयार करा लें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों भारत में खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए खबर भारत।